सो गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, पढ़ेगा इंडिया विद अस, एंड टेलीग्राम पे आप जो हमारे PDF शेयर करेंगे हम, आप वहाँ से PDF ले सकते हो। तो हम आगे करते हैं 16 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक प्राइमरी जो मतलब इक्वली मैच है वो हमें इसमें सेलेक्ट करना है। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर है उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कांट कॉम्प्रिहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन। अगर किसी को कान से नहीं सुनता, एक इम्पेयर्ड है मतलब हियरिंग उसको सुनता नहीं है, तो उसका मतलब है कि कांट कॉम्प्रिहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। भाई उसे कान से नहीं सुनता, उसे आँख से तो दिख रहा है ना, कम से कम वो एक विजुअल चीज़ को देख सकता है और उसको समझ सकता है। ये तो करेक्ट पेयर नहीं है। सेकंड है डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया होता है जिसको लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। डिसलेक्सिया वाले को रीडिंग डिसेबिलिटी होती है एंड डिसफेजिया वाले को रीडिंग डिस वो राइटिंग डिसलेक्सिया वाले को रीडिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, ये होती है। थर्ड है क्रिएटिव लर्नर्स जो होते हैं हाइपर एक्टिव स्लो इन कॉम्पिटिंग वर्क। ठीक है, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं और काम को कंप्लीट करने में स्लो होते हैं, क्रिएटिव हमेशा फास्ट होते हैं हर चीज़ में, तभी उनको क्रिएटिव कहते हैं। फोर्थ है अटेंशन डिफिक्ट लर्नर्स, जो हमने बताया था ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिसऑर्डर। ठीक है, जो बच्चे आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका क्या है, हाई मोटिवेटेड कैन सस्टेन अटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं, ये तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड है जो क्रिएटिव होते हैं वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और स्लो मतलब काम को देरी में करते हैं, ये भी नहीं है। जो हियरिंग वाले ये भी नहीं है, जो हियरिंग वाले वो कम से कम विजुअल चीज़ों को तो समझ पाएंगे ना, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डिसलेक्सिया जो पर्सन होते हैं वो उनमें रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन पे, वो जो होगा 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशंस ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। सेकंड है प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, जो हमारी प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो लर्निंग को कैसे प्रमोट करती है कि हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस वो जो कहता है ना रटवाना वो नहीं कराना। ठीक है, इसमें पहले कनेक्टिंग नॉलेज टू द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो बच्चे की पहली नॉलेज है उसको बेस मानते हुए उस पर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ये एक राइट वे है। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इन्होंने नोट पूछा है प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, मतलब बच्चों को रिपीट कराना, बार बार रिपीट कराना और रिकॉल कराना, उन्हें याद कराना, जो याद करना वो बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन। थर्ड है यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोला है। फोर्थ है एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट ए प्रॉब्लम, मल्टीपल वे मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके, इसको भी प्रमोट किया है। बच्चों के खुद के आइडियाज़ को बच्चा वो टीचर्स वैल्यूज़ है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक मोट है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन में इन्होंने प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल का है, जो कि बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। तो हमारा इसका आंसर सही होगा सेकंड, क्योंकि उन्होंने गलत पूछा और हम यहाँ पे सही कोई गलत कोई गलत कहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते 18th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसेंट विद अ कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग कौन सी चीज़ सही नहीं है। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्लुएंट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, विद्यार्थी को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 18th जो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स वर्क कोलेबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग्स विद ईच अदर। ठीक है, इसमें जो ये लिखा है स्टूडेंट्स वर्क कोलेबरेटिवली मतलब एक साथ काम करते हैं एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर। थर्ड है टीचर इलेक्ट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलेबोरेट एंड रिस्ट्रक्चर देयर
करंट नॉलेज। फोर है टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड गिवन फीडबैक एंड प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने नोट पूछा है। क्वेश्चन नंबर आप 18 का हमें आंसर बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट। देखो इसमें सारे में बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स आर गिवन फ्लुएंट अपॉर्चुनिटी, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ करने के लिए, बच्चा इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है, सेकंड में देखो बच्चा कोलेबरेटिवली काम कर रहा है, मतलब अपने पीयर के साथ काम कर रहा है, तो एक्टिव है बच्चा, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फॉलो कर रहा है। टीचर इलेक्ट स्टूडेंट्स आइडियाज एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप टू की टॉपिक, मतलब इसमें बच्चे के जो थॉट है जो आंसर है बच्चे को उसको आइडिया दे रहा है, उसको नए नए बेटर वे को इन्वेंट कर रहा है, ये भी सही है। बट इसमें लिखा है टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी एंड गिव फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट, क्या ये मतलब है? तो इसके लिए आपको फोर आंसर बिल्कुल चाहिए होगा, इन्होंने नोट पूछा था। ठीक है, बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रादर देन डैश। तो आप बताइए जो शिक्षक होता है, एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के, आप मुझे इसमें आंसर बताइए जल्दी से। 19th क्वेश्चन, अब हम इसको देखते हैं। लर्निंग गोल्स परफॉर्मेंस गोल, इसमें ऊपर जो ब्लैंक स्पेस है इनमें सेट करके देखते हैं इनको एक बार, अगर टोन सही बन रही होगी ना, एक मीनिंग सही निकल रहा होगा तो आंसर सही हो जाएगा बेसिकली। ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट लर्निंग गोल, बच्चे को लर्निंग गोल सेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए रदर देन परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, सेकंड देखते हैं। टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट परफॉर्मेंस गोल, बच्चे को परफॉर्मेंस कैसी होगी वो गोल सेट करना रदर देन लर्निंग गोल्स। ठीक है, बढ़ते थर्ड ऑप्शन पे। टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट फेलियर अवॉइड गोल्स, मतलब फेल ना हो जाए बच्चा, रदर देन मार्क्स सीकिंग गोल्स। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। मार्क्स सीकिंग गोल्स फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, देखो इसमें आपको खुद ही बताइए इसमें सेट कौन सा बेटर है, लर्निंग गोल्स की हमें परवाह करनी चाहिए परफॉर्मेंस गोल की बजाय। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन को ज़्यादा अहमियत देंगे। ठीक है, इसमें देखो पढ़ लो एक बार। ए टीचर शुड एनकरेज लर्निंग गोल्स, जो टीचर है उसको लर्निंग गोल्स को एनकरेज करना चाहिए, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वो जब आपकी लर्निंग सही हो जाएगी तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा 19th क्वेश्चन 19th का फर्स्ट सही हो गया। बढ़ते 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी का कौन सा एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली पांच इन्होंने ऑप्शन दिया है, इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है कौन सा सिक्वेंसली चलेगा, सिस्टमेटिक ये पूछा इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग गोल एंड टाइम टेबल, अगर आप खुद ही देखिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आप कोई एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए एक गोल सेट करोगे कि मुझे इस पेपर क्लियर करना है, और एक अपनी स्टडी का टाइम टेबल सेट करोगे। सेकंड है मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, एक चार्ट बनाओगे मतलब किस चीज़ को कैसे कवर करना है, और तुम्हारे दिमाग में भी एक कॉन्सेप्ट मैप चलता रहेगा कि इसके बाद मैं इसे करूँगा। ठीक है, जैसे आपका ही पेपर है, इसमें 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है, इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो आपके दिमाग में से चार्ट बनता रहेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वे है, मतलब इम्पोर्टेंट है लर्निंग के फेज़ में। थर्ड है थिंकिंग ऑफ एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल सोचना एंड नॉन एग्जांपल की किस चीज़ को हम किस तरह से टैकल करेंगे, इसके लिए कौन सा एग्जांपल अप्रोप्रिएट होगा। फोर्थ है एक्सप्लेनिंग टू पीयर, जो पीयर ट्यूटरिंग होते हैं ना कि खुद जो हमारे पीयर होते हैं उनको एक्सप्लेन करना, अगर उसमें कुछ कमी है या एग्जांपल सेट नहीं है या कॉन्सेप्ट गलत है तो पीयर से हम आसानी से उनको ना समझ सकते हैं बिना, मतलब एक होता है ना कि फियर होता है कि टीचर डांटेगा कि वो, तो पीयर ट्यूटरिंग में ऐसा कुछ फियर नहीं होता। फिफ्थ ऑप्शन है सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद से क्वेश्चन, जिस पर कहते हैं ना प्राइवेट स्पीच, अगर आप क्वेश्चन को डील कर रहे हो तो मतलब उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मतलब वो सारी चीज़ें आप उसमें टैकल कर लोगे, तो इसके लिए हमें बेटर वो बताने कि ये मतलब किस हद तक इसमें इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है सेटिंग गोल्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ये भी सही है। ठीक है, ये देखिए
ये भी सही है। थर्ड है थिंकिंग एग्जाम्पल नॉट एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग टू पीयर ट्यूटरिंग बेसिकली सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो इसमें तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन, जिसमें सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं। बढ़ते 21th क्वेश्चन पे, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। बेसिकली जो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है वो बाहर से, मतलब बाहर से आपको किसी ने मोटिवेट किया, कोई आपके स्कूल में कोई मोटिव गाइड जो होता ना, कोई गेस्ट आए उन्होंने बस सबको मोटिवेट कर लिया, ठीक है, या कॉलेज में कोई तुम्हारे वर्कशॉप है वहाँ पे तुम्हें टीचिंग के कुछ एक प्रोग्राम है उसके लिए मोटिवेट किया, ठीक है, समझ लो, या कोई तुम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है बाहर का मोटिवेशन होता है। तो पढ़ते किस सिचुएशन में एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन यहाँ पे है। तो पहली सिचुएशन है, बच्चा कह रहा है आई इन्जॉय डूइंग माई होमवर्क, मैं अपने होमवर्क को इन्जॉय करता हूँ बिकॉज इट इज सो मच फन, मुझे करने में मज़ा आता है, ठीक है। सेकंड है आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बच्चा खुद से कर रहा है, इसको कोई एक्सटर्नल उसकी मम्मी पापा टीचर कोई नहीं कह रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उसको इंटरनली मोटिवेशन है। डूइंग होमवर्क मेक मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर। थर्ड बच्चा कह रहा कि अगर मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। फोर्थ है आई कम्प्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। फोर्थ वाला बच्चा कह रहा है कि मैं अपना होमवर्क इसलिए करता हूँ क्योंकि जो टीचर है वो हमें इसके बेसिस पे मार्क्स देगी। बच्चे को देखो एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ मिल रहा है बाहर से, टीचर ने उसको कहा कि तो अगर तुम काम करके लाओगे तो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगी, तो ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है। तो बढ़ते 22 क्वेश्चन पे, इन प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड, अगर प्राइमरी क्लासरूम है तो टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है गिव ओनली एग्जाम्पल्स, सेकेंड है गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, थर्ड है गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, फोर्थ है गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। अब बताइए इसमें 22 में कौन सा सही होगा। वेरी गुड, जो प्राइमरी लेवल होता है ना उसमें हमें मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ करना चाहिए। अगर कोई हम अगर एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा उसमें कोई एक्टिविटी बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, कोई एक्टिविटी हम उसमें एग्जाम्पल कर सकते हैं, तो गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ठीक है। बढ़ते 23rd क्वेश्चन पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मेकिंग मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, मतलब कौन सी एक स्ट्रेटजी है जो बच्चे में मीनिंग मेकिंग का काम करेगी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। सेकंड है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन की हमने कुछ, फर्स्ट ऑप्शन में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, चीज़ों को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने अपनी इन्फॉर्मेशन को बच्चे को ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। थर्ड है यूजिंग पुनिटिव मेजर्स, फोर्थ है यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम आप इसमें आप बताइए कि कौन सा एक मीनिंग मेकिंग के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट, वेरी गुड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, सब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट हो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, एक्सप्लोर करें, ठीक है। यही तो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, आप बेसिकली ध्यान में रखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्योंकि कैसे बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग आप उसका ऑप्शन लगा दो, मोस्टली सही होंगे। 24th का देखिए, चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन, बच्चे जो गलतियाँ करते हैं और उनकी मिसकंसेप्शन होती है वो किस लिए होती है, क्या होता है वो। फर्स्ट है दे आर सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग वो जो हमारी मिस्टेक्स होते हैं, एरर होते हैं, वो बेसिकली इन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंट पार्ट होती है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ऑफकोर्स पहले भी हमने पढ़ा है कि मिस्टेक्स आर द जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। सेकेंड में पढ़ते हैं दे आर हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टिकल टू लर्निंग टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो जो मिस्टेक्स एंड एरर है वो एक हिंड्रेंस है, मतलब एक रुकावट पैदा कर रही है, ठीक है। थर्ड में पढ़ते शुड बी इग्नोर्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे ने गलती कर दी या कोई मिसकंसेप्शन है बच्चे में तो उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो,
ये कहा है इन्होंने। फोर्थ है सिग्निफाई द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर सो फॉर इन्फीरियर देन द अडल्ट। ठीक है, कि इन्होंने कहा कि जो बच्चों की गलती होती है बहुत निम्न लेवल की होती है, छोटी तुच्छ गलतियाँ होती है जिनको मतलब इतना नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है एज अडल्ट। तो बताइए आप इसमें लर्निंग, जो लर्निंग की फेज में मिस्टेक्स को, एरर को क्या हिस्सेदारी देंगे। दे आर सिग्निफिकेंट पार्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वेरी गुड, हमने पहले भी तो पढ़ा ना कि जो मिस्टेक्स है वो आर द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बट द 25th क्वेश्चन पे, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यू एज, जो कंस्ट्रक्टिव फेज है, फ्रेम है, उसमें हम बच्चे को कैसे देखेंगे, हमारा देखने का परसेप्टिव क्या होगा। फर्स्ट है मिनिएचर अडल्ट, कि अडल्ट को मिनिएचर है, जैसे मिनिएचर होता है ना कि छोटा रूप, अडल्ट है अडल्ट का छोटा रूप, छोटे है, लेकिन हम उसका परसेप्शन नहीं कह रहे, हम उसको कह रहे कि उसको हम लर्निंग या सिखाने में उसको किस तरह का रोल देंगे या किस कैसे उसे समझेंगे। सेकेंड है टेबुलर रेशा और ब्लैंक स्टेक्स, ब्लैंक स्लेट, कि खाली स्लेट है और टीचर को उसको रंगना है, बेसिकली टीचर को उस पर लिखना है। थर्ड है ए पैसिव बींग हु कैन बी शेप और मोल्ड इन टू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग। देखो ये अपनी अलग अलग थ्योरी कहती है सब, बट वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, फोर्थ है ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि मिनिएचर एडल्ट का बिल्कुल नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, मिनिएचर तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड में इन्होंने टेबल ऐसा एक खाली स्लेट का कि इसमें जो है ना टीचर ही उस स्लेट को रंगेगा। थर्ड है ए पैसिव बीइंग, जो एक पैसिव है कि उसे कुछ नहीं पता, निष्क्रिय है, तो जैसे उसको टीचर चाहेगा, जैसे उसका गाइडर चाहेगा, वो ऐसे ही उसको मोल्ड करेगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू NCF एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, टीचर जो बच्चा होता है प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, खुद की नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करने वाला होता है और खुद को इन्वेस्टिगेट करेगा चीज़ों को, अपने लेवल से चीज़ों को समझेगा। ठीक है, बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन पे। ए टीचर्स रोल बाय यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। जब अपनी क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट कर रही है, इज टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट। जो टीचर है, अगर बच्चे कोई एक्टिविटी करा रही है एक टीचर, तो उसमें टीचर का क्या रोल है। वो एक, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि टीचर एक साइलेंट स्पेक्टेटर होगी, मतलब देखते रहेगी और बच्चे जो मन करे करने दो। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड है इट इज़ लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन। जो टीचर है बच्चों को एक्टिविटी दे के निकल जाएगी और बच्चों को जो करना है करने दो। ठीक है, थर्ड है इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। अगर उसने एक्टिविटी दी है तो हर बच्चे के लिए सपोर्टिव होगी, एक फैसिलिटेटर का काम करेगी और हर ग्रुप को देखेगी, जा जाके उनको मॉनिटर करेगी। फोर्थ में दिया है इज टू बी सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे उन्होंने दोबारा से लेबल करने का काम शुरू कर दिया। ध्यान रखना, बच्चों के ग्रुप को या बच्चों को कभी लेबल ही नहीं करोगे तुम, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड NCF। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी कि आप बच्चों को लेबल करने में लग गए। सेकंड, फर्स्ट टेस्ट में साइलेंट स्पेक्टेटर क्यों होगी। फोर्थ है इजली क्लास को ही छोड़ के चल जाएगी। आपको तीनों में से कोई अप्रोप्रिएट लग रहा, फोर्थ में देखो वो एक सपोर्टिव है, मॉनिटर कर रही है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो डेवलपमेंट और लर्निंग को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट है डेवलपमेंट और लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, डेवलपमेंट और लर्निंग रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। सेकंड है लर्निंग टेक प्लेस इरेस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग को डेवलपमेंट के बिना ही मतलब कर सकती है, मतलब बिना डेवलपमेंट के लर्निंग चल सकती है। थर्ड है रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। मतलब जो आपकी लर्निंग, जो डेवलपमेंट की रेट है वो लर्निंग की रेट से ज़्यादा होगी। फोर्थ है डेवलपमेंट और लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। वेरी गुड, सही एकदम एकदम। आप भी पढ़ के देखिए, अगर आपका डेवलपमेंट एक मेंटल कोग्निटिव डेवलपमेंट, बेसिकली तीन चार तरह के होते हैं, जो होते हैं सोशल फिजिकल, जो आपका कोग्निटिव, ठीक है, तो
अगर हम यहाँ पे कोग्निटिव की बात करें, तो अगर आपका लेवल बढ़ रहा है, दिमाग का लेवल बढ़ रहा है, आईक्यू बढ़ रहा है, तो बेसिकली तुम अच्छे लेवल के टास्क कंप्लीट कर पाओगे। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है, समझे। तो बढ़ते 28 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू प्याजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। तो प्याजे ने बोला कि अगर तुम बच्चे को, सपोज एक बच्चा है, तो आपने उसको कोई इन्फॉर्मेशन दी जो उसको पहले कभी नहीं पता थी, अब वो इन्फॉर्मेशन को देखेगा, उसको इन्फॉर्मेशन के लिए एक क्या बनेगा उसके दिमाग में, स्कीमा। स्कीमा की बात की थी प्याजे ने, उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड मेंटल टूल, स्कीमाज इमेज एज मेंटल मैप। तो प्याजे ने स्कीमा के बारे में बात की थी। अगर कोई बच्चा है, अगर उसको नई चीज़ें एकदम से मिल रही है, बिल्कुल नई प्योर, जो उसे पता नहीं थी उसके पहले, उसके लिए वो माइंड में अपने स्कीमा सेट कर लेगा, ठीक है। जैसे बेबी बोर्न होता है, उसमें पहले ऑलरेडी 3-4 स्कीमा होते हैं, सकिंग, ग्रास्पिंग, है ना, कि वो मतलब सकिंग करना, चीज़ों को ग्रास्प करना, ये 3-4 उसमें स्कीमा पहले से ही प्रजेंट होते हैं। हम पढ़ते हैं 29 क्वेश्चन। विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन, द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सप्लेन फॉर बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, ठीक है। विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, ये वाइगोस्की का एक वो है स्टेटमेंट है। विद द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन, कि हम एक अप्रोप्रिएट हेल्प, अप्रोप्रिएट सजेशन दे, द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुडंट हैव रीच्ड अलोन, जहाँ पर एक बच्चा खुद नहीं जा सकता, अगर आप उसको थोड़ा सा हेल्प दो, सजेशन दो, वो पहुँच सकता है, तो उसको क्या कहेंगे। जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन एंड इंटेलिजेंस। तो वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट की बात की थी, ऐसा जोन जहाँ पर बच्चों को हेल्प करोगे, थोड़ी गाइड करोगे, तो बच्चा खुद ही उस प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा, ठीक है। उस लेवल को उसमें बुद्धि है, उस लेवल को उसमें, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट सही हो जाएगा। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कोग्निटिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कोग्निटिव प्रोग्रेसिव प्राइमरली थ्रू, फर्स्ट है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सोशल है सोशल इंटरेक्शन, थर्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, एंड फोर्थ है एडप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लेव वाइगोत्स्की थे, आप जो सीटेट के लिए वाइगोत्स्की और प्याजे इतने इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट जो जो लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हायर कोग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रू, जो बच्चों का मेंटल लेवल का इंक्रीमेंट है ना, कि अपडेशन बेसिकली, कि मेंटल लेवल उनका अपडेट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की किस तरह से हो रहा है। फर्स्ट है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सेकेंड है सोशल इंट्रैक्शन, थर्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, फोर्थ है एडप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये थे ना वाइगोत्स्की, इन्होंने सोशल इंट्रैक्शन की बहुत अच्छी खासी बात की है। इन्होंने कहा कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा बेसिकली वो सोशल इंट्रैक्शन से होगा, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन आरजू मैम कराएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।